एक और बात बताना चाहता हूँ कि जिस किसी को भी खंडवा शॉर्टकट आना हो इधर अपने काल की तरफ से, तो यहाँ पे क्या है कि रोड बन गया है थोड़ा। तो गाइस ये है गजवाड़ा, मतलब गजवाड़ा गांव का नाम है। यहाँ से खंडवा 13 किलोमीटर बचा हुआ है। कौन कहता है कि जंगल में पुलिया वगैरह नहीं बनते, यहाँ पे देखो इतना बड़ा पुल बना रहे हैं। वेलकम टू न्यू ब्लॉग। अभी हम खड़े हैं मतलब कालमुखी में और यहाँ से हम जाने वाले हैं खंडवा। तो खंडवा का जो शॉर्टकट रास्ता है वो आपको आज मैं बताऊंगा और आज का ब्लॉग काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो ब्लॉग पूरा देखना। और जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और चलिए मैं अब ब्लॉग स्टार्ट करता हूँ। तो गाइस यहाँ पे एक गांव आता है कालमुखी के बाद डोंगर गांव, तो अभी हम डोंगर गांव में आ गए हैं। यहाँ पे क्या छोटे छोटे गांव में जब आप आते हो ना तो मतलब अलग ही माहौल लगता है, मतलब मज़ा आ जाता है। मतलब छोटे पुराने घर देखते हैं, मतलब देखे तो पुराने घर दिख रहे हैं अपन को, ये गाय भैंस जा रही है, मतलब एक अलग ही माहौल लगता है यहाँ पे। तो गाइस अभी क्या हम नहर के पास आ गए हैं, मतलब एक ही गाँव क्रॉस करा है और अभी नहर के पास आए हैं। तो यहाँ पे नहर है, ये बड़ी नहर है, यहाँ पे मतलब पानी काफ़ी रहता है, हर टाइम रहता है। मतलब ये बात कर रहे हैं कि गर्मी हो चाहे बारिश हो या चाहे ठंड का मौसम हो, हर मौसम में यहाँ पे मतलब पानी बहता रहता है। और इधर खेत वगैरह है जहाँ पे कपास वगैरह लगाया हुआ है, सोयाबीन है हमारे इधर, मतलब ये है। और यहाँ पे एक और चीज़ है कि ये जो खंडवा जाने का शॉर्टकट रास्ता है ये मतलब लगभग सबको नहीं पता है, किसी किसी को पता है जो इधर जंगल से होके जाता है। तो अभी अपन चलेंगे जंगल में, वही मैं आपको दिखा दूँगा। तो अब हम निकले हैं, जैसे अभी फर्स्ट वाला डोंगर गांव है, आप देखते हैं और आगे कितने गांव आते हैं। मतलब ये शॉर्टकट रास्ता है और ये अभी नहर के साइड से, और आगे जाके राइट में हो जाऊँगा, राइट पर फिर वापस से डामर भट्टी आ जाएगी और थोड़ा आगे जाएंगे तो एक जंगल आ जाएगा। तो अभी अपन ये राइट में होते हैं और ये थोड़ा सा कच्चा रास्ता, फिर वापस से ये डामर भट्टी आ गई। तो ये डामर भट्टी पर चलेंगे अपन, थोड़ी दूर जाएंगे। मतलब रास्ता इधर इतना अच्छा है, मतलब जैसे कि अपन यदि किसी जंगल से होके जाते हैं तो अच्छा लगता है ना वहाँ पे। तो गाइस यहाँ पे एक पुलिया भी आ गया है क्योंकि यहाँ एक नाला है, इस वजह से यहाँ पे पुल है, ये देख सकते हैं, छोटी नदी बोल सकते हैं, नदी है। तो गाइस देख सकते हैं व्यू कितना शानदार लग रहा है, मतलब इतना अच्छा व्यू लग रहा है कि मज़ा आ जाता है, मतलब सुकून मिलता है इसी जगह पे जाने पे। मतलब देख सकते हैं दोनों साइड हरियाली और बीच से निकल के जा रहे हैं। तो गाइस ये किरगांव है, मतलब छोटा सा गांव है, कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है। ये उनको कालमुखी के बाद सेकंड वाला गांव है जो यहाँ पे अपन को लगा है, और आगे जाके देखते हैं कौन सा गांव लगता है। तो गाइस अब यहाँ से थोड़ा सा जंगल स्टार्ट होएगा, तो क्या इधर छोटे मोटे जानवर रहते हैं, जैसे अपने नीलगाय हो गई और खरगोश हो गया और लोमड़ी हो गई, और भी छोटे मोटे जानवर, मतलब भालू वालू तो नहीं होगा शायद, छोटे मोटे जानवर ही रहते हैं क्योंकि ज़्यादा बड़े जानवर नहीं रहते यहाँ पे। और यहाँ पे जंगल इतना अच्छा है, मतलब देखो यहाँ पे कितना अच्छा व्यू लग रहा है, मतलब दोनों साइड इतनी हरियाली और बीच से अपन निकल के जा रहे हैं और छोटी छोटी पट्टियाँ हैं, मतलब रास्ता भी सही, मतलब अभी बारिश हुई थी कल, तो बारिश की वजह से, आज धूप है तो धूप की वजह से यह सूख गया है, तो छोटी छोटी पट्टियाँ बन गई जो निकल के जाते हैं लोग, जिनको जैसे गाँव के छोटे मोटे लोग रहते हैं तो ये क्या इधर के रूट से खंडवा जाते हैं, तो बहुत अच्छा है। यहाँ पर क्या है कि थोड़ा सा गड्ढा है, मतलब नाला बोल सकते हैं, नाला है अंदर, और बस जंगल अब लगभग ख़त्म ही होने वाला है, ज़्यादा बड़ा जंगल नहीं था, वही 5-6 किलोमीटर जंगल लगता है यहाँ पे बीच में, ये देखो ये नाला होता है। तो गाइस जैसे मैंने आपको बताया था कि मतलब जंगल में लोग घर भी बना के रहते हैं, तो ये देखो यहाँ पे एक घर बना हुआ है, मतलब गाँव दूर है और इन्होंने जो घर है इनके खेत के पास बना रखा है, मतलब नज़ारे इतने अच्छे हैं कि यदि आप पूरा वीडियो देखें तो मतलब देखोगे तो आपको मज़ा आ जाएगा, मतलब इतना अच्छा है मतलब ये रूट, मतलब अभी बारिश का टाइम भी है तो हरियाली भी है यहाँ पे दोनों साइड, तो मतलब इधर क्या सोयाबीन की फसल और कपास दो चीज़ ज़्यादा चलती है, और कुछ मूंग वगैरह बोते होंगे बस तुअर वगैरह, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है, ये चीज़ें हैं, और इधर हरियाली भी बहुत अच्छी है। एक और बात बताना चाहता हूँ कि जिस किसी को भी खंडवा शॉर्टकट आना हो इधर अपने काल की तरफ से, तो यहाँ पे क्या है कि रोड बन गया है, थोड़ा बहुत कच्चा मिलेगा आपको, यहाँ पे एक पुलिया भी बना दिया है इन्होंने, और अभी और आगे चलता हूँ, अभी मैं आपको दिखाऊंगा कहाँ पे रोड बन गया। तो अब आया ये सालई गांव है, मतलब गांव का नाम सालई है। तो पहले क्या है यहाँ पे, हमारे यहाँ पे मतलब ढोर वगैरह, मतलब जो गाय भैंस रहती है, मतलब ज़्यादा हो जाता था, बारिश के टाइम यहाँ पे चराने के लिए छोड़ जाते थे, यहाँ पे क्या कि जंगल काफ़ी बड़ा है तो ढोर वगैरह चरने के लिए रहता था यहाँ पे। और यहाँ पे क्या जियो का टावर भी नहीं है, पर हॉस्पिटल है यहाँ पे बना हुआ, मतलब इस गांव में इतना पिछड़ा गांव है कि यहाँ पे कोई टावर नहीं है, मतलब इतना आसपास है गांव के कि टावर मतलब मिल जाता है, इस वजह से यहाँ पे नहीं है। और यहाँ पे एक और बात बताना चाहता हूँ, ये सामने देख सकते हैं यहाँ पे प्लांटेशन करा हुआ है, मतलब
पौधे लगाए हुए हैं, मतलब जंगल में भी पौधे लगाते हैं, क्योंकि अपने इधर तो क्या है ज़्यादातर जंगल को काट रहे हैं, बट यहाँ पे क्या पौधे भी लगा रहे हैं, मतलब इतना अच्छा है। मतलब इधर इतना जंगल है कि मतलब बारिश भी होती रहती है, और ज़्यादातर तो एरिया में आपने देखा होगा कि जंगल को काटते जा रहे हैं, बाकी यहाँ पे बहुत अच्छा है कि जंगल को मतलब बढ़ा रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं कि कम कर रहे हैं, मतलब पौधे लगा रहे हैं, यदि कट रहे हैं तो लगा भी रहे हैं। हमारे इधर ऐसा रहता है, मतलब यहाँ पे देखो कार भी आ रही है, मतलब इधर कार भी आ जा सकती है, मतलब आप कार भी लेके आ सकते हैं, इतना भी रास्ता ख़राब नहीं है यहाँ पे। कौन कहता है कि जंगल में पुलिया वगैरह नहीं बनते, यहाँ पे देखो इतना बड़ा पुल बना रहे हैं, और ये शॉर्टकट वाला रास्ता मतलब इतना अच्छा हो जाएगा कि इधर से डामर पट्टी और अभी पूरा कंप्लीट कर देंगे, रोड अच्छा बन जाए। तो गाइस ये है गजवाड़ा, मतलब गजवाड़ा गाँव का नाम है, यहाँ से खंडवा 13 किलोमीटर बचा हुआ है और ये गजवाड़ा लिखा हुआ है यहाँ पे। तो ये भी एक छोटा सा गाँव है, पहले यहाँ पे जैसे मैंने आपको पिछला गांव बताया था कि साले यहाँ पे मतलब ढोर वगैरह चराने के लिए छोड़ते थे, तो इस गांव में भी मतलब यहाँ पे क्या जंगल काफ़ी बड़ा है, तो यहाँ पे भी मतलब कोई कोई यहाँ पे भी आते थे कि यहाँ पे भी मतलब चराने वाले रहते थे पहले, क्योंकि उनके पास ज़्यादा कुछ पैसे नहीं रहते थे, तो गाय भैंस चरा के अपना गुजारा बसारा करते थे। तो जंगल काफ़ी बड़ा है, और इस साइड में जो लाइन देख रहे हैं यहाँ पे एक पाइपलाइन डलने वाली, मतलब पाइपलाइन जो नर्मदा नर्मदा लाइन की जल्दी जल जल नल जल योजना वाली, तो वो वाली पाइपलाइन यहाँ पे डल रही है। तो गाइस यहाँ से खंडवा 8 किलोमीटर बचा हुआ है। तो दोस्तों ये है टिड गांव, छोटा सा गांव मतलब टिड गांव, ठीक है। तो गाइस ये नल जल योजना वाली टंकी है टिड गांव की, और ये गांव पूरा यहाँ से खत्म हो गया। तो दोस्तों यहाँ पे मुझे एक अजीब सी चीज़ दिखी है, हाई टेंशन लाइन, इसको मैं अजीब सी चीज़ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ही अजीब सी दिखती है। आपने भी कभी देखी होगी, सोचते हैं यार ये क्या काम में आती है, तो इसमें क्या हाई पावर इलेक्ट्रिसिटी होती है, मतलब जो है कि अपने स्टेट से किसी और स्टेट में भेजते हैं, क्योंकि ये अपने यहाँ यूज़ नहीं कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है ये, ठीक है। वैसे यहाँ से लगभग खंडवा 5-6 किलोमीटर बचा हुआ है, और यहाँ पे थोड़ा हम रेस्ट कर रहे हैं क्योंकि काफ़ी टाइम से गाड़ी चला रहे थे, तो अब यहाँ से चलते हैं आगे। नाश्ता कर लिया, अब नाश्ता करके अब निकलते हैं। ये सामने पुलिस चौकी है, मतलब खंडवा में अंदर आ गए सिटी में, और अभी मैं चलते हैं थोड़ा कुछ सामान लेना है वो ले लेते हैं पहले। यहाँ पे भजो दादाजी का नाम भजो, यहाँ पे घूमने वाले दादाजी का मंदिर भी है, वो भी मैं अभी दिखा दूँगा। बाकी मैंने इसके पहले एक वीडियो बनाया था जो आपको मैं उसके लिए डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ से दूनी वाले दादाजी का वीडियो भी देख सकते हैं। और भी बहुत सारे यहाँ पे मंदिर हैं, वो भी कभी देखता हूँ यदि देखिए आपको बता दूँगा। इसमें जब लास्ट टाइम आया था तो इधर से आया था और ये इधर का आया था, ये दादाजी दरबार का मेन गेट बन रहा है अब नया, आपको अंदर चल के थोड़ा बहुत दिखा देता हूँ, क्योंकि इसके पहले मैंने कंप्लीट डिटेल के साथ वीडियो बना दिया था, तो अभी मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूंगा, ठीक है। दादाजी के दर्शन भी कर लिए हैं, और अभी मैं आपको पीछे वाला जो ग्राउंड दिख रहा है ना, यहाँ पे मेला लगता है 15 दिन के बाद लगेगा, गुरु पूर्णिमा के टाइम पे लगता है, तो ये वाला जो पीछे का एरिया दिख रहा है ना वहाँ पे मेला लगेगा। मैंने सब कुछ शॉपिंग वगैरह कर लिया, मुझे जो भी सामान खरीदना था खरीद लिया, और अभी कुल्फी खा रहे हैं, कुल्फी खा के अभी चलेंगे हम, तो लाइसेंस लेना है हमको, लाइसेंस ले लेंगे फिर वीडियो एंड करेंगे, ठीक है। हमने लाइसेंस भी ले लिया है, और मैं आपको दिखा देता हूँ ये जो पीछे का जो एरिया है ना, ये पूरा RTO है मेन रोड तक, तो जिस किसी को भी लाइसेंस बनवाना है खंडवा के बनवा सकते हैं, और पीछे एजेंट वगैरह भी है यहाँ से लगा कर रोड तक के पूरे एजेंट हैं। ये लाइसेंस आपको आराम से बना, 4-व्हीलर का 3,000 लगते हैं और 2-व्हीलर 2,000, तो ये लाइसेंस वगैरह भी बन जाएगा आपका। और मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना कमेंट करके, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, और जो भी चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।